तो कितनी बड़ी मीठी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चॉकलेट फज केक की रेसिपी। जल्दी से मेरे पास आइए, मैं आपको एक ओवरव्यू दूं और फिर बढ़ते हैं हम पूरी रेसिपी की जानेब। सबसे पहले लेंगे 4 चमचे मेल्टेड बटर के, 5 अदद आ गए जी इसमें अंडे, 1 कप इसमें शामिल करूँगा मैं चीनी, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। पहले ये सारी चीज़ें डिजॉल्व करेंगे, यानी कि इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये मैंने 7 मिनट कंटिन्यूसली बीट किया है और ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, चीनी भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और 2 चम्मच मैंने लिए यहाँ पे दही। इसे दोबारा से बीट करेंगे। अब शामिल करेंगे इसमें कोको पाउडर, सोडा और बेकिंग पाउडर। इसको छान लें क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं, वो गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, तो छान लेना ही बेहतर है। हैंड विस्कर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 चुटकी इसमें शामिल करेंगे नमक। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा बैटर तैयार हो गया। बस अब इसमें शामिल कर देता हूँ मैं मैदा। मैदा मैं लूँगा 3 कप, क्योंकि 5 अदद अंडे हैं तो उसी हिसाब से 3 कप मैदा इसमें शामिल करूँगा मैं। अच्छा जी, मैदा भी छान के ही शामिल करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं, ये देखें ये गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, यानी कि अगर आप राइट साइड की तरफ इसको घुमा घुमा के मिक्स कर रहे हैं तो राइट साइड की ही तरफ रखना है। ये बैटर तैयार हो गया जी। बस अब इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड चॉकलेट, 2 चमचे भर के इसमें जाएगी मेल्टेड चॉकलेट के। तो बस चॉकलेट डाल के ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, बस हल्का हल्का सा इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बैटर भी चेक कर लें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा बैटर तैयार हुआ है। अब मैं ले लेता हूँ मोल्ड, यानी कि बेकिंग ट्रे। 1 अदद ये मोल्ड ले लें, गोल ले लें, आपके पास स्क्वायर में तो स्क्वायर में ले लें, लेकिन इसमें ऑयल ज़रूर लगाएं नीचे, इसकी बेस पे ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि नीचे से अच्छी तरह से बेक भी हो और चिपके भी नहीं। और एक बटर पेपर चिपका देंगे इसमें, इस तरह से बटर पेपर ऊपर से भी ग्रीस करेंगे, यानी कि ऑयल लगा लेंगे ऊपर से, और वो सारा जो बैटर तैयार हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे, यानी कि सरफेस पे अच्छी तरह से इस तरह से टैप करना है ताकि इसके बबल्स जो हैं बिल्कुल भी ना रहें और जो एयर होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें, भगोना मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसको हम कहते हैं प्री हीटेड, अच्छा खासा गर्म है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम इसे पकाऊंगा मैं 50 मिनट तक। तो केक बेक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, तो 40 मिनट हो गए, 10 मिनट मैं और मज़ीद बेक करूंगा जब तक ऊपर की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, नॉर्मल क्रीम है, आराम से इजीली आराम से मिल जाती है। इसमें शामिल करेंगे जी चॉकलेट और चूल्हे की आँच रखेंगे बिल्कुल स्लो और इसे पकाएंगे बिल्कुल हल्की आँच पे। इसे बस पकाना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये टॉपिंग भी तैयार हो गई है, चूल्हा बंद कर दूंगा और इसे इसी पैन में रख देंगे ठंडा होने के लिए, अलग से किसी बर्तन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पैन में मैं इसे ठंडा करूंगा। तो भाई चेक करते हैं, 55 मिनट हो गए हैं पूरे। ओए होए माशाल्लाह, आप ये चेक करें ये फूला कितना ज़बरदस्त है। ये मैं पहले तीली लगा के चेक करता हूँ, जो कि इसका तरीका होता है चेक करने का। ये देखो भाई माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आई है। बीच से भी चेक करते हैं, यहाँ से भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, यहाँ से भी चेक करते हैं। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई यहाँ से भी क्लियर है। ये बेहतरीन सा केक तैयार हो चुका है, इसे निकाल के मैं ठंडा करने के लिए रखता हूँ। तो ये मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसे मोल्ड को साइड से सना खोल के लूज़ करके बिल्कुल आराम से ये निकल आएगा। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बग़ैर ओवन के ये बेक हुआ है। और माशाल्लाह आप इसकी थिकनेस चेक करें, इतना सॉफ्ट इतना फ्लफी सा तैयार हुआ है। बस ये ऊपर से जो इसका ये राउंड है इसको इवन कर लेंगे, यानी कि एक जैसा कर लेंगे। इसको काटूंगा मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर से लगाएंगे टॉपिंग जो तैयार की थी चॉकलेट और क्रीम में।
इसे बस ऊपर ही ऊपर स्प्रेड करेंगे। ऊपर से इसमें स्प्रेड करेंगे चॉकलेट, और इसे मैं रख दूंगा 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। तो भाई ये मैंने सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में, 2 घंटे हो गए माशाल्लाह से, ये बेहतरीन से सेट हो गया है। अब मैं आपको काट के भी चेक कराता हूँ, खाऊंगा तो मैं ही, आप लोग खाएंगे तो आप अपने किचन में ये रेसिपी देख के इस तरह का केक बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। ये हो गया जी कट। ओ भाई साहब माशाल्लाह, ये देखें कितना बेहतरीन और कितना शानदार सा केक तैयार हुआ है ये। तो भाई ये चॉकलेट फज केक यानी कि चॉकलेट फज ब्राउनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? ब्राउनी भी है, केक भी है, आपको कैसी लगी बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी ऊपर आता है एक बेल का निशान, वो दबाना ना भूला करें ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो बस अब मुझे दीजिएगा इजाज़त इस मज़ेदार और मीठे से केक के साथ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक मुनफरिद रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।